सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। जय श्री राम। नए व्लॉग में आपको एकदम बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम स्वागत है। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, बादल सब खुले हुए हैं, मौसम साफ है, धूप निकल रही है, मतलब मजा आ रहा है धूप में भी। तो भाई फिलहाल के लिए मैं आया हुआ हूँ अपने पीछे की तरफ, जंगल की तरफ, बगीचे की तरफ, क्योंकि रात को कुछ ऐसी ही वो हुआ था कि ऐसा लगा था कि हाथी आया है, मतलब ऐसा लगा था तो देखने आया हूँ कि कहीं पेड़ वेड़ तो ना तोड़ गया दोबारा से। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि कोई हाथी पेड़ वेड़ तोड़ के गया है कि नहीं गया। ये सब जो टूटे हुए हैं, ये सब पुराने पेड़ टूटे हुए हैं, एक वो टूटा हुआ, तो नया तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारी एम्जेम्शन थी, मतलब जो हमारी सोच थी वो गलत हो गई, नहीं आया हाथी। खैर इसी बीच अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ नाशपाती। नाशपाती काफी बड़ी हो गई है, खाने लायक हो रही है, एक नंबर। और तोड़ने का विचार है पर तोड़ूं कहाँ से, क्योंकि घुसने की कोई यहाँ पे जगह नहीं है। ये देखो हो रही है नाशपाती, बढ़िया मोटी मोटी हो गई। ये देखो अब इनके लिए घुसने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। अब जगह देखता हूँ कहाँ से बने, जगह कहाँ से बनेगी। यहाँ पे जगह ही नहीं है कहीं घुसने को। अब कहाँ तक घुस यार, ये है भी ऊपर ऊपर ही, काफी ऊपर है, नीचे तो है ही ना। ऐसा हो सकता है कि मैं चढ़ूंगा इस पेड़ पे और इस पेड़ पे चढ़ने के बाद ही ये हाथ में आएंगी दो चार जो है। वैसे तो नहीं आएगी हाथ, एक मिनट, एक जगह तो आ गया हूँ, एक नाथ पर दिख रही है, इसे तोड़ ही लेता हूँ। देखने में एकदम मस्त, प्योर हाइब्रिड नहीं है, है ना। मीठी भी है, इससे मोटी मोटी भी लग रही है, पर तोड़ने की जगह नहीं है। दिल से इनका विचार बनाना पड़ेगा, उनमें कोई और तोड़ जाएगा, हमें ना मिलेगा इनमें तो फिर कुछ नहीं, है ना। ये देखो लग रही मोटी मोटी यहाँ, पर यहाँ जगह ही ना कहीं घुसने की, पर मजा आ रहा है खाने। वैसे मैं नाश्ता कर लिया तो फिर भी मैं खा रहा हूँ, एक आधा तोड़ ले जाऊं घर को। ये इनको जेब में रख लेते, दो और तोड़ लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं घर। अरे फंस गया झाड़ी में, अगर ये हाथी से बची रही तो ठीक है, अगर हाथी की नजरों में आ गई तो पेड़ खत्म, उसके बाद नाशपाती भी ना मिलेंगी खाने की। कसम से भाई लिटरली काफी लग रही है और मजा आ रहा है, ये मोटी है ये वाली, तो आऊंगा बाद में लेके आऊंगा यहाँ और किसी को। अभी चलते हैं घर और जरा मशीन में काम करवाना है, जेसीबी में, यही घर वाली में, है ना, तो उसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। फिजिक्स का कंसेप्ट निकाल के पीछे हैवी ड्राइवर, जेसीबी का ड्राइवर बना, यस।
काम निपटा दिया है। होली पे लगाऊंगा ये कलर, होली ये है मेहनत, ये होली होली का रंग है, कुछ की मेहनत छोटे डीजल से। ये तो धीरे क्यों बोल रहा, काम हो गया फारिक, धीरे क्यों बोल रहा, फारिक होते होते टाइम हो गया 11:13। क्यों कपड़ा दूसरा, इतने कैसा महसूस कर टाइम के लिए अपने आप से मेहनत। चलो भाई अब ना ना हेलमेट लगा के अपना माउंट तैयार है एकदम फर्स्ट क्लास। चलो गाइज इरा जल्दी चला ले इसे, तेज चला ले गाइज। हमारी गाड़ी हो चुकी है एकदम तैयार, गाड़ी कह रहा हूँ अपनी बाइक, और अब हम जा रहे हैं जरा एक जगह मस्त सी जगह पे नहाने को। हैं क्या कह रहा, हाँ हाँ देख के चला रहे हैं, चल तू चल। टाइम हो रहा है इस टाइम 1 और हम निकल चुके हैं स्विमिंग पूल नहाने को, जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। ये हमारे जा रहे हैं दिल्ली से नहीं मेरठ से आए हुए बागपत जिले से आए हुए लौंडे लौंडे लफाड़े, एक हमें मिलेगा वहीं पे जाम जा रहे हैं नहाने के लिए वहीं, है ना। तो भाई सुबह से जेसीबी का काम करके हाथ भी देखो कैसे काले पीले से हो गए अजीब से, और बाकी चलो फिर हैं मेरे तो ना फुकरे तेरे फुकरे होंगे हाथ भाई। हम तो फुल बाजू की पहन के आए क्योंकि गर्मी बहुत तेज है, हाथ फुक जाए सारे, है ना। तो खैर ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने फटाफट से पहुंचते हैं। तो भाई हम टिम्बकटू की गली में घुस गए, ये है देवी मंदिर, देवी मंदिर है ना, उससे पहले एक रास्ता पड़ता है लेफ्ट साइड में, मतलब खोड़ का स्कूल है ना तो उसके अपोजिट में एक गली है, तो टिम्बकटू जाने के लिए वहाँ से भी रास्ता है, तो हम फटाफट से उधर की तरफ से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ की पतली पतली सी गलियाँ, ये देखो ये यहाँ की पतली पतली सी गलियां हैं हमारे यहाँ की, है ना। तो फटाफट से टिम्बकटू की गली में घुस जाते हैं, ये आ गया है टिम्बकटू का एरिया। स्विमिंग पूल मतलब काफ़ी बढ़िया है, वो टीन शेड में बना हुआ है, मतलब काफ़ी बेहतरीन है, ठीक। और फटाफट से पहुंच जाते हैं, ये आ गया टिम्बकटू का एरिया हमारा, ठीक। तो भाई यहाँ तो काफ़ी भीड़ चल रही टिम्बकटू में आज, काफ़ी भीड़ है यहाँ, और देखो झूले भी लगा रखे हैं यहाँ पे सबके लिए झूलने के लिए। हाँ गाइस आ गए हम टिम्बकटू में, ये देख लो, और यहाँ गाने चल रहे हैं भीतर, है ना। ये देखो भाई साहब कितनी भीड़ हो रही है टिम्बकटू में, मतलब गर्मी का जो छुटकारा मिलेगा ना वो यहीं पे मिलेगा, और मिलेगा ही ना कहीं से भी। बाल भी कटवाने यार, बाल बहुत बड़े हो गए, दाढ़ी तो ठीक है, बाल कटाई मांग रहे हैं बाल। काट दो तू, रहने दे तू, क्या कह रहे तू, रहने दे। तेरे पे हमें ना कटवाने, तेरे पे हम तो खुद अपने आप। हाँ काटने का ही तो काम करा हमने, कराई क्या सारा काटे तो कोई ना। तो भाई हम तो गए पहुंच, और बाकी अब मिस्टर गुटरू सिंह आ रहे हैं, क्या हाल है उस्ताद। हेलो दिस इज तुपाल, यू आल्सो द डबल तुपाल।
नीचे जाएंगे तीनों तब देखेंगे ठीक है। अच्छा अंदर आजा तीनों के साथ। 3, 2, 1 गो। उड़ मत दियो बस नहीं गड़बड़ हो जाएगी फिर ढूंढना पड़ेगा क्या क्या। आजा भाई कूद जा चल। 3, 2, 1 गो। अरे आजा आनंद आ रहे आनंद। चलो भाई अब कैमरे को रख देते हैं हम फोन भीतर हम नहा के एंजॉय करते हैं मस्त ठीक है भाई ले लौंडे। चल भाई स्नान करने के बाद थोड़ा मोमो का सेवन करेंगे। ऐसे देख ढोर को कैसे खान लग रहा धी का खा ले देख के मतलब ऐसे ऐसा हो रहा है नशे में जा कितनी धूम्रपान करा होता है ना कितना सारा ते बस से कैमरे में घुसेड़ेगा इसे। अरे सर आप भी खाओ आप कैसे शांत बैठे हो गरम गरम में तो मजा आवे मिर्च लग रही चटनी तो इसमें डाल दी अरे मिर्च लग रही भैया ये मोमो में भीतरी मिर्च है बहुत गाइस नाउ वी आर गोइंग बैक टू घर। चप्पल भाई का जरा एक मन विचलित कर रहा है कह रहा मेरे को जरा 220 चला के देखनी है मन के चला के देख ले तेरे कौन सा कुछ हो रहा चला ले मन के चला ले चाबी तो दे दे मेरे बैग में ही है चल चल। ओह वाओ वंडरफुल चल विली मारी उससे आज घुमा दे वन बाय वन घुमा दे भाई मेरे वन बाय वन घुमा दे गुटरू ओल्ड थोड़ी रेस दियो थोड़ा ने, 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 दे तो सही अरे बहुत है तेल यू किला सरा बैठा बैठा तू तेल थोड़ी रेस दे दे सही और ये दे ओल इसकी तो जान निकल जाएगी 20 का ही तो अंतर है यार। अबे वो तेरी 2 है 200 है 220 है 20 ही तो फर्क है बस 20 किलो का ही तो फर्क है इसमें। ये तुमने इसे थुक्का क्यों पान खा के तुझे कितनी बार कह रहा था पान खा के यहाँ मत थुक मैं थुकूंगा मैं मुंह तू मुंह ही सके हाँ चल गिरा दे दूंगा तेरे मुंह पे चल चल एक्टिंग मत कर चला चल चल जा ज्यादा पास मत जाइयो दूर जाइयो जा ले जा हम स्कूटी ला रहे स्कूटी ला रहे हम चल चल बॉयज घर जा रहे हैं अब है ना तो मेरा ये हेलमेट बता दो कैसा लग रहा है नया वाला बिल्कुल लाइट वेट हेलमेट है ना तो खैर घर पहुंच रहा हूं मैं फटाफट से और नहा धो के सब मस्त क्लास एकदम फारिग हो गए काफी मजा आ गया। एक घंटे का टाइम है और 70 रुपये में एक घंटे होता है और ये टिम्बकटू है काफी बढ़िया है ना और अब फटाफट से घर पहुंच लेते हैं उसके बाद पबजी खेलेंगे फिर वीडियो एडिट करनी है वो भी डालनी है ठीक है तो बहुत सारे काम है घर पहुंच के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पबजी खेलेंगे ठीक लेता ना जो तुझे जो लेना तू ले हम तेरे पीछे पीछे कैमरा लेके तैयार खड़े हैं किसे लेगा लेडीज वर्जन गर्ल्स वर्जन है रोड टू इन्फिनिटी देख क्या लिख रहा है अरे पेट भीतर कर कैमरे में गलत दिख रहा है देखो एवेंजर वाली ले ले मार्वल्स वाली आ जा लेगी लेगा ये ले ले ये वाले ये तो रही ये रही हैं ये मुकुटे उतार ले मुकुटा पहन रखा है ना इन्हें पहनेगा क्या फिर तो इसमें ले ना इस कपड़े में ले इस वाले में देख ये रही और भाई ये रही और भयंकर व्हाइट कलर देख के तो बड़े लग रहा पर यार वैसा कपड़ा है थोड़ा सा ओ ये सही लग रही देख मुझे सिंपल 199 रुपए की देख खूब बढ़िया है अरे ले 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 इतनी बढ़िया बढ़िया तो टी शर्टें आ रही हैं तेरे को पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा 199 रुपए की इतनी बढ़िया टी शर्ट दिखा रहा हूँ समझ ले नहीं रहा कोई बात नहीं हम क्या कर सकते
विशाल मेगा मार्ट है शॉपिंग करने के लिए, ये इसको हम चला रही सबको शॉपिंग करवा रहे। मैंने कहा ले ले दो चार लत्ता अपने ले जो लेने हैं। मैं पापा के लिए टोपी लेने आया था पर टोपी है नहीं उसी साथ, ये वो ले रहा है। ना आ रही क्या समझ में, कैसी लग रही देख तू ही देख, पैर के देख, पैर के देख, पैर के देख। ओहो ओहो घमंडी लड़के पाखंडी। जो हम बताएंगे उसे तो लेगा ही नहीं। द बॉयज वाली मेम बनानी पड़ेगी तेरे साथ, मतलब जो हम बता रहे हैं वो तो लेनी ही नहीं है। और ये ऊट पटांग चीजें ले लेगा आज, मैं बताऊँ वो नहीं लेगा। यार पंडित है यार, हम अच्छी चीज बताएंगे तुझे लेने के लिए तो ले ले। क्यों ऊट पटांग चीजों को तो खूब बहुत देख रहा है तू, देखने के पैसे लगेंगे। यहाँ देख ले क्या लिख रही है, बाय टू एट 449। पर नहीं जुनूने काट रहे हैं जुनूने। देख भाई ये चुपा ये घूम रहा ले कहीं से परफ्यूम है एक। ये ले भाई एक परफ्यूम लिए इसने, बाय वन गेट वन फ्री पार्क एवेन्यू की। चल भाई लिफ्ट का भी आनंद ले रहे पूरा। ओहो भाई साहब ने करा खर्चा। सो गाइस वी आर सेलिब्रेटिंग इधर पिज्जा पार्टी बिकॉज हमारे गुरुजी काफ़ी बढ़िया शिक्षक बन चुके हैं, 12वीं क्लास को पढ़ाते हैं ये शिक्षक, पर ये कभी कभी शिक्षक से भक्षक भी हो जाते हैं। ये आज पूरे दिन भक्षक ही था, जब तक जितना नहाया ये भक्षक में ही नहाया है। इसे भूल चुका था कि शिक्षक भी है। नहाते टाइम में भूल चुका था कि शिक्षक है, उस टाइम भक्षक था। चले खा ले सैड पैड। हाँ मैं तो ऐसी खाऊंगा, मेरे पे ऐसी आवे। और मुझे एक लेकर दे दे तो थोड़ा सी बकरी लेगी भूखी की साइड में, ये मिर्ची खा लेगी ना।